हमारे देश की सेना हमारा गौरव है। सेना के जवान हर परिस्थिति में देश सेवा के लिए समर्पित रहते हैं। आज का हमारा विशेष कार्यक्रम जनता की बात हमारे देश के वीर जवानों को समर्पित है। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से देश के सभी वीर जवानों को सलाम करते हैं। तो आइए देखते हैं उनसे दिनेश दसौंधी के साथ आम जन के मन के सवालों पर सैनिकों की क्या राय है। नमस्कार, मैं हूं दिनेश दसौंधी। आप देख रहे हैं SW24 न्यूज मध्य प्रदेश। हमारे विशेष कार्यक्रम जनता की बात में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारे कार्यक्रम जनता की बात एक विशेष कार्यक्रम है जो 15 अगस्त स्वाधीनता दिवस से जुड़ा हुआ है। अब तक हमने जनता की बात में नेताओं राजनीति से जुड़े मुद्दों पर बात की। आज हम न नेताओं की बात करेंगे, न नेताओं से बात करेंगे, न ही राजनीति की बात होगी, न राजनीतिकों से बात होगी। आज हम बात करेंगे देश के सेना के जवानों से और जानेंगे कि सेना और जवानों को लेकर लोगों के मन में क्या सवाल उपजते हैं। ऐसे ही सवालों को जानने की कोशिश करेंगे। आज का हमारा कार्यक्रम समर्पित है उन माओं को जिन्होंने हंसते हंसते देश की सुरक्षा के लिए अपने बेटों को बलिदान कर दिया, उन महिलाओं को, उन अबलाओं को जिन्होंने अपने पतियों को इस देश की सुरक्षा के लिए न्यौछावर कर दिया, उन बहनों को जिनकी भले ही राखी सुनी रह गई हो पर उन्होंने अपने देश की सुरक्षा के खातिर अपने भाइयों की बलि दे दी। आज का ये कार्यक्रम समर्पित है हमारे सभी शहादत वाले सैनिकों को जिन्होंने इस देश के खातिर अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया है। साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम समर्पित है सेना के उन जवानों को जिन्होंने अपने जीवन के महत्वपूर्ण समय, मतलब जीवन का एक महत्वपूर्ण समय देश की सेना के लिए दे दिया। इस सेवा काल के दौरान उन्हें क्या तकलीफें आई, किस तरह से सेवा काल रहा, अपने घर, अपने परिवार की जिम्मेदारियां किस तरह से निभाई, इन्हीं प्रश्नों को लेकर आज हमारे साथ कुछ भूतपूर्व सैनिक जुड़ेंगे और उनसे हम इन्हीं प्रश्नों को जानने की कोशिश करेंगे। मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत इन शब्दों के साथ करूंगा कि चाह नहीं मैं देवों के मस्तक पर चढ़ा जाऊं, पुष्प की अभिलाषा का 4 लाइना है कि चाह नहीं मैं देवों के मस्तक पर चढ़ा जाऊं, चाह नहीं मैं मधुबाला के गहनों में गुथा जाऊं, है पथिक मुझे फेंक देना उस पद पर जिस पद पर जाए वीर अनेक। आज का हमारे कार्यक्रम 15 अगस्त विशेष कार्यक्रम आप पूरा जरूर देखें। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे चैनल की ओर से SW24 न्यूज मध्य प्रदेश की पूरी टीम की ओर से देश के सभी सैनिकों को, सभी जवानों को एक तरह से ये पूरा कार्यक्रम समर्पित करते हैं उनके सेवा काल के लिए एक धन्यवाद के रूप में। तो आइए हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ भूतपूर्व सैनिक जोड़ेंगे तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे गाँव के और बाहर से पधारे अतिथि के रूप में फौजी, रिटायर्ड फौजी जुड़ रहे हैं। सबका पहले सबसे पहले तारुफ करवा दूँ। मेरे साइड में परसाई जी, उनके बाद भालसे जी और भयालाल पाटीदार, इधर भालसे परसाई जी, इधर दिनेश भाई भोजी और कुलकर्णी। हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले करेंगे, जैसे आप लोग फौजी रहे उसके बाद आम जनजीवन में फिर से लौटे, पहले आम जीवन जनजीवन से फौजी का एक जनजीवन, सैनिक का जनजीवन, उसके बाद फिर से आम जनजीवन, कैसा लगा? जैसे पहले आर्मी में था, 15 साल मैंने आर्मी में सेवा की, उसके बाद में दिसंबर 92 में रिटायरमेंट होकर आया, उसके बाद पुनर्नियुक्ति मेरी टीचर फिल्म में 27 साल मैंने टीचर फिल्म में नौकरी की। क्या पुराना समय काल जैसे फौजी एक सैनिक होते हैं उसके बाद में आम जनजीवन, क्या अंतर महसूस करते हैं आप? सैनिक जीवन में परिवार के साथ, समाज के साथ हर समय उपलब्ध नहीं रहते थे, सुख में और दुख में हर समय हमेशा बाहर रहते थे। आज के समय में कम से कम ये है, फोन सुविधा हो गई तो घर से भी आराम से बातचीत कर सकते थे। और हमारे समय में जो ये था कि पत्राचार से ही काम होता, बातचीत होती थी। भालसे जी, एक फौजी का जनजीवन और आम जनजीवन, क्या अंतर महसूस किया आपने? जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आपका क्वेश्चन था कि आम क्वेश्चन था कि एक आम जनजीवन में कैसा महसूस करता है, देखो ऐसा है कि मैंने अपनी लाइफ के अंदर महसूस ये किया है कि एक बच्चा पढ़ लिख के जब सैनिक की तैयारी करता है, स्कूल से जब जाता है, भर्ती होता है, ट्रेनिंग करता है और वहाँ पर जब परिवार से दूर जाके एक आर्मी के माहौल में जाता है,
पहले तो उनका डिसिप्लिन एक नॉर्मल होता है स्कूल में, मैं बचपन की लाइफ में, पर जब वो आर्मी ज्वाइन करता है, आर्मी ज्वाइन करने के बाद में जब वो डिसिप्लिन वाली एक बुनियाद जगह में जाता है, वहाँ पर जब पढ़ता है तो ज़मीन आसमान का फर्क होता है। एक आम सिविलियन से जाना और वहाँ पर जाना बहुत अंतर है। जैसे कि अंतर ये होता है कि जैसे भर्ती होने के बाद में हमें मॉर्निंग कम से कम 4:30 बजे हमें जगना पड़ता है, उसके बाद हमें पीटी में जाना पड़ता है, फिर हमें क्लोज टाइम होता है, सिर्फ आधे घंटे का टाइम होता है नेक्स्ट पीरियड के लिए। वहाँ से आएंगे, भाग के आएंगे, नाश्ता करेंगे, ड्रेस चेंज करेंगे, फिर नेक्स्ट पीरियड के लिए जाएंगे, फिर वहाँ से आएंगे, फिर आधे घंटे का टाइम मिलेगा, फिर हम नेक्स्ट एजुकेशन के लिए जाएंगे। ऐसे कल डिफ़िकल्ट दुनिया भर के ऐसे बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि आम जनजीवन से बहुत डिफरेंट होता है। मतलब वो जो अनुशासन आज आप जीवन में महसूस करते हैं कि बिल्कुल वो अनुशासन जो हम बचपन लाइफ में सीखते हैं और वो आज हम रिटायरमेंट हो चुके हैं 30 साल नौकरी करने के बाद, बट वो जो हमने सीखा है वो हमारी लाइफ में लास्ट मरते दम तक भी सीखते हैं, क्योंकि वहाँ से हमें इतना अनुशासन सीख के आए जो आज हम अपने बच्चों को भी सिखाते हैं, जहाँ जहाँ हम रहते हैं अपने गरीब घर में उनको भी सिखाते हैं कि बेटा ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, लाइफ के अंदर कोई मकसद बनाना चाहिए कि हमें सुबह मॉर्निंग 5 बजे उठना है ना, फ्रेश होने के बाद में फिर हमें पढ़ाई स्टार्ट करना है, फिर स्कूल जाना है, फिर नहाना है धोना, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो सीखने को मिलती है और बच्चों को भी हम मोटिवेट करते हैं, आसपास के माहौल को भी मोटिवेट करते हैं। बादशाह जी, अक्सर हम फिल्मों धारावाहिकों अक्सर देखते हैं कि फौजियों के व्यक्तित्व के एकदम कड़क बताया जाता है, क्या वास्तविक जीवन में भी इस तरह की कड़कता रहती है? देखो, इसके दो पहलू होते हैं। एक तो इंसान बचपन से कड़क होता है, लाइफ सर्विस करता है तब भी कड़क ही होता है, और एक इंसान होता है नॉर्मल। तो मैं बोलता हूँ, तो मैंने भी जो जहाँ तक महसूस किया कि जो कड़क तो कड़क ही रहेगा, है ना, मगर जो नॉर्मल होता है तो नॉर्मल अपने सिचुएशन को देख के इंसान नॉर्मल होता है। जैसा अभी मैं फौजी को कड़क हूँ, आपको डांट मार दूँगा, नहीं, सिचुएशन को देख के इंसान को अपने को हर चीज़ को चेंज करना पड़ता है। फौजी कड़क होता है, बट कड़क होता है अनुशासन होता है, उसको कोई भी चीज़ गंदगी चीज़ कोई मतलब अनडिसिप्लिन चीज़ उसको पसंद होती नहीं है, कड़क तो वैसे होता है। मगर आजकल क्या पहला ज़माना ही रहा है, नॉर्मलाइज ज़माना हो गया, सिचुएशन को कंडीशन को देख के बोला जाता है, बट फौजी कड़क होता है। तो परिवार में कभी कभी ऐसा अक्सर होता होगा कि भाई इस कड़कपन के कारण कहीं कहीं परिवार में नाराज़ी भी हो जाती होगी, परिवार के सदस्यों की नाराज़ी भी हो जाती होगी कि अरे तो फौजी हैं, हमेशा डराते रहते हैं, एक अनुशासन हमेशा बताते रहते हैं, कभी ऐसे हालात बने? आप तो कुछ बिल्कुल वाजिब है। देखो, परिवार क्या है, परिवार के अंदर डिसिप्लिन नहीं चलता है, कोई मैं सर्विस कर रहे वहाँ पर डिसिप्लिन चलता है, उसी चीज़ को हम घर में लेके आएंगे तो घर वाले उस चीज़ के हिसाब से रहेंगे नहीं। हम यदि हम हर चीज़ को फॉलो करेंगे, आर्मी वाला रूल फॉलो करेंगे तो घर में तो बच्चे फॉलो करेंगे नहीं, वो करेंगे, मतलब कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं उस चीज़ में डिफरेंस कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज परिवार को भी करते हैं, हमें भी करना पड़ता है। जहाँ तक फौजी परिवार हो तो कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, मगर हर आदमी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। क्वेश्चन आपका वाजिब है, कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, बट नहीं होना चाहिए। पाटीदार जी, आप भी बहुत लंबे समय तक रहे हैं सेना में और आपकी भी सर्विस लगभग पूरी हुई और उसके बाद आप यहाँ वापस आ गए, तो क्या महसूस किया है एक फौजी का कार्यकाल और एक आम जन जीवन, क्या महसूस होता है आज पुराने समय में और आज के समय में क्या महसूस होता है? सभी को नमस्कार और भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैंने 2019 में मैं पेंशन आकर 24 साल 10 वर्ष सर्विस करने के बाद में, और अभी फिलहाल में मैं अभी जय जवान जय किसान की ये कर रहा हूँ टाइम पास के लिए। बाकी सेना में मैं बाहर भी विदेश लिबलान भी गया था 2013 में, और इंडिया और वहाँ का रात दिन का अंतर है। बाकी ये जो है कि सेना में काफ़ी परेशानी दिक्कत भी उठानी पड़ती है समय के अनुसार, और जैसे त्योहारों के रूप में कभी इमरजेंसी छुट्टी नहीं मिलती है तो उसको भी दिल को थामते हुए गरम गरम की वजह से फिर नहीं भी मिलती छुट्टी। तो कई बार मैं एक खुद आपका प्रत्यक्ष दर्शी रहा हूँ, आपकी न्यूज़ वगैरह लगाता रहा हूँ। एक बार करवा चौथ पे हमने एक न्यूज़ लगाई थी, हाँ। भाभी आपके या पूजा फोटो की पूजा कर रही थी, तो जैसे आप त्योहारों पे घर से दूर रहते थे तो क्या महसूस होता था? कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि यार कहाँ के जंजाल में फंस गए? क्योंकि आजकल लोग पढ़ने जाते हैं तो छोड़ के भाग आते हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई जंजाल की ये नहीं है, वो तो ऐसे कभी आगे पीछे ये करना पड़ता है एडजस्ट।
कभी आपको ये महसूस नहीं हुआ कि यार अपन बहुत परेशानी में है, इस ये सेवा को छोड़ देना चाहिए, ऐसा कभी महसूस हुआ? महसूस तो होता है, पर लेकिन अब जब सर्विस करना है तो वो तो ड्यूटी करनी पड़ेगी। कहाँ कहाँ आपने सर्विस की, कहाँ कहाँ रहे? मैं लाल चौक में भी रहा हूँ, नदुला बॉर्डर रहा हूँ, वेस्ट बंगाल रहा हूँ। ऐसा कोई वाकया हो जो आप यादगार मानते हो कि भैया बहुत कठिन समय निकला, ऐसा कोई यादगार लम्हा हो? नहीं, ऐसा थोड़ा बहुत तो निकलता है। अच्छा, पाटीदार जी से पूछते हैं कि उनका कार्यकाल कैसे गुजरा और कैसा अनुभव रहा। पाटीदार जी, आप भी सेवाकाल लेकर के जब आप गाँव आए तो आपने क्या महसूस किया, एक सैनिक के रूप में क्या महसूस करते थे और आज आम जन जीवन में क्या महसूस करते हैं? माँ तेरा वैभव रहे, हम रहे चार दिन ना रहे, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद जय भारत। रहा सवाल कैसे महसूस कर लें, भारत की से करोड़ों जनता के प्रति हम निस्वार्थ भाव से भारतीय सेना में भर्ती हुए थे और भारतीय सेना के सजग प्रहरी थे और रहेंगे। रिटायरमेंट के बाद में हमारे अपने अंदर इतना जागरूकता रहती है कि हम अगर आज भी हमको बुला ले तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं। हम पूरे सैनिक भाइयों की यही भावना रहती है। बहुत कठिन समय भी गुजरा है, बहुत अनुभव भी रहे हैं, कारगिल से लेकर तवांग की पहाड़ियों तक का बहुत पूरा अनुभव रहा है और बहुत अच्छा। पाटीदार जी, आपने जैसे बात की कारगिल की, कारगिल का एक युद्ध जो है बहुत यादगार रहा है और हमने जो विजय प्राप्त की थी उसमें कई लोगों के हताहत भी हुए थे, कई जो है शांति भी हुए, मरे भी, उनको तो हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, लेकिन क्या अनुभव रहा सर वहाँ का कारगिल का? मैं एक्चुअली कारगिल के युद्ध के बाद में 99 का युद्ध हुआ था, 2001 में मैं गया था कारगिल में। उसके बाद मेरे साथी राजेन सेवा मेडल गुबरिया खेड की याद होती है, वो मेरे साथी ये लोग थे। मैं वन मीटिंग में था और कुछ अनुभव उनकी माता जी ने, मैं जब छुट्टी आया था तो बोले घी ले जाओ, मतलब ये थोड़ी थोड़ी बातें वहाँ आर्मी की चलती रहती है जो जैसा भी हो। कारगिल में बाद में गया था मैं, जब युद्ध होता उस समय मैं झांसी में पोस्टिंग था, उसके बाद में जस्ट हमारे 2001 में हमारी बटालियन कारगिल पोस्ट हो गई थी। पाटीदार जी, एक फौजियों के साथ सबसे बड़ी बात रहती है कि अक्सर लोग घर से दूर रहते हैं, आप लोगों को अक्सर घर से दूर रहना ज़्यादा पूरी सर्विस जो है घर से दूर रहना पड़ता है, ऐसा भी नहीं कि एक स्थान पर अलग अलग स्थान भी बदलना पड़ता है, तो कभी कभी ऐसा महसूस नहीं होता आपको कि आपको ऐसा महसूस हुआ होगा कि यार कौन से जंजाल में फंस गए हैं, ऐसा कुछ? नहीं, कुछ नहीं। भारत माता के सबसे पहले हम जब पर्दी अपने शरीर पर धारण कर लेना तो सिर पर हमको दिखता है कि भारत माँ हमारे से आगे है, भारत माँ की रक्षा करना है। हमारे पीछे 125 करोड़ पूरी देश की जनता हमारे पीछे खड़ी है, वो रात को सोए चैन की नींद और हम उनके प्रहरी बने, यही हमारे दिल में भावना रहती है और हमने यही ड्यूटी की है और इसी ड्यूटी के साथ हमने पूरा अनुभव किया है। इसमें कोई अगर कोई बोले कि मतलब जो भी सामाजिक इसमें कुछ भी बोलते हैं कि वो ऐसे ऐसे ड्यूटी करके आए, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे वर्दी जब धारण कर ली तो हमारे को भारत माता की रक्षा करना यही हमारा सबसे परम धर्म है और हम इसी इस पर चले। पाटीदार जी ने बहुत अच्छी बात की, इस जज्बे को हम भी सलाम करते हैं, हमारी पूरी टीम सलाम करती है। आगे हम बातचीत करते हैं कुलकर्णी जी से। भारत सरकार ने एक नई योजना चलाई है, अग्निवीरों की भर्ती की जा रही है, आप सभी एक सैनिक रहे हैं, अग्निवीर के अंदर क्या आपको लगता है क्या कमियां हैं, क्या खासियतें हैं, ये जानने के लिए हम भालते जी से पूछते हैं कि क्या खासियत है अग्निवीर का, क्या कमियां महसूस करते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। अग्निवीर एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम, बहुत बढ़िया स्कीम है कि जैसे भी स्कीम चली थी, मैं आपको बताता हूँ 2019 की बात है जब इस स्कीम के लिए गवर्नमेंट लॉन्च करना चाह रही थी। उस लॉन्च करने के लिए कुछ चुनिंदा यूनिटों से कुछ चुनिंदा जवान अफसर जीएसएस मंगाए गए थे
उस कॉन्फ्रेंस का मैं पार्टिसिपेट किया था। वहाँ पर मिनिस्टर अपने डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह थे, अपने मोदी जी थे, अपने रक्षा में अपना NSA डोभाल जी थे, तमाम मंत्री थे, हमारे आर्मी के अफसर थे, जेसीएस थे, जवान थे। एक बड़ी तालकटोरा स्टेडियम बड़ी फंक्शन हुआ था वहाँ पर, और वहाँ पर इसी स्कीम को लॉन्च करने के लिए इसकी स्कीम की बेनिफिट बताई थी, और वहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज किया था कि इसको हम लॉन्च करेंगे तो कैसा रहेगा क्या रहेगा। तो उसका मैं सदस्य रहा था। वहाँ पर यही बताया था कि अग्निवीर जैसे हमने आपको चाइना का पता है कि चाइना के हर नौजवान कंपलसरी 5 ईयर आर्मी में सर्विस करेंगे, उसको देखते हुए और जो अभी हमारा टसन चल रहा था इंडिया और चाइना का, उसको मद्देनज़र देखते हुए कि स्कीम को लॉन्च किया। मैं आपको डिटेल बताऊंगा। वो इसलिए किया था कि इस स्कीम को 4 साल को इसलिए किया था क्योंकि जिस तरह चाइना में हर 5 साल करता है, तो हमारा देश ये चाह रहा था कि 4 साल हमारा बंदा करेगा, हर आदमी करेगा, इस प्रकार करके आएगा तो धीरे धीरे 4 साल फौज में करने के बाद में जब वो वापस आएगा तो अपनी एजुकेशन कर सकता, पढ़ाई कर सकता, सब कुछ कर सकता, और एक देश को आपात स्थिति से बचाने के लिए वो भी एक सोल्जर बन जाएगा, ताकि उसको अब जब भी अपने को जरूरत पड़े तो अपन भी चाइना की नीति के अनुसार अपने उनको उतार सकते मैदान। पर कहीं ना कहीं लोगों ने ये बात भी कही, ये अफवाह कहें या कुछ भी कहें, लेकिन कहीं ना कहीं अग्निवीरों का भविष्य लोग कहते हैं। नहीं, देखो अग्निवीर की एक क्या है भर्ती शेड्यूल का है कि 19 साल का आदमी 4 साल की आर्मी में सर्विस करेगा, 4 साल 19 और 3 23 साल होता है, तो 4 साल वो सर्विस करेगा उसको 12.5 लाख उसको पेमेंट मिलेगा, और जो वो 4 साल के बाद रिटायरमेंट होगा फिर उसको 12.5 लाख उसको मिलेगा, और कैंटीन की सारी सीटें मिलेगा, तो 4 साल के अंदर 25 लाख रुपये कमा सकता है। बट यदि वो मीडियम परिवार का भी है, गरीब परिवार का भी है, तो वहाँ से निकलने के बाद भी अपना भविष्य बना सकता है। 12.5 लाख तो उसको पेमेंट मिला है, 12.5 लाख उसको रिटायरमेंट के बाद पैसा मिला है, वो तो चाहे तो 24 साल के 23 साल की उसकी उम्र है, उसके बाद अपनी पढ़ाई भी कर सकता है, अपना बिजनेस कर सकता है, अपने पैर पे खड़ा हो सकता है। एक नॉर्मल परिवार से बंदा जाता है तो वहाँ से डिसिप्लिन सीख के आता है, एक बंदा फौज से 4 साल का रिटायरमेंट तो बहुत कुछ सीख के आता है, वो सिविल के अंदर बेरोजगार नहीं रह सकता, वो अपना रोजगार ढूंढ लेगा और आगे सर्विस भी कर सकता है। गवर्नमेंट और भी अच्छा किया है कि पैरामिलिट्री फोर्स में सारी फोर्सेस के अंदर में 10% का कोटा निर्धारित किया है, उस 10% कोटा का लाभ लेकर बाकी पैरामिलिट्री फोर्स में नौकरी कर सकता है। वो सबसे बेस्ट स्कीम है, मैं तो बोलूँगा कि गवर्नमेंट की सबसे अच्छी स्कीम है, और हर आम जनता को अपने पेरेंट्स को अपने बच्चों को मोटिवेट करके 4 साल के लिए डालना चाहिए। एक तो फौजी बन जाएगा, देश के कभी भी काम आएगा, और आगे वो रोजगार का हकदार बन जाएगा। बहुत बेस्ट सर्विस है। अच्छा, आप जैसे लंबे समय तक सर्विस देकर आए, कोई ऐसा अनुभव जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल, मैंने तो 30 साल देश की सेवा करी है। एक लंबा अनुभव यह था कि जब मैं बेंगलोर में था, वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ था NBC इंस्ट्रक्टर के लिए, मैंने वहाँ पर 3 साल सिलेक्शन किया था और NBC के लिए मैं सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद फिर वहाँ से मुझे दिल्ली से फिर लेटर ऑर्डर मिला था कि आपको फोर्थवीत मतलब तुरंत आपको आपका सिलेक्शन, आप दिल्ली रिपोर्ट करो और आपको जाना है जर्मनी। तो मुझे उस टाइम बहुत अचीवमेंट मिला था, बहुत खुश हुआ था कि यार मुझे मेरा सिलेक्शन हुआ जर्मनी के लिए। मैं जर्मनी गया था, वहाँ पर 3 साल इंस्ट्रक्टर रहा था मैं, एक जर्मनी के हॉल के अंदर में 1200 आदमी एक साथ पढ़ाता था वहाँ पर, तो वो मेरे लाइफ का सबसे बड़ी अचीवमेंट था, सबसे बड़ी उपलब्धि थी मेरी। सेकंड, जब कारगिल वार चल रहा था, अपन आप लोगों सबको पता है कि जब तोलोलिंग के बस चोटी जब फतेह किया था, उस तोलोलिंग फतेह चोटी करने के लिए उस चोटी को हासिल करने के लिए मैंने 36 घंटे तक गोला बारूद सप्लाई किया था। मेरे साथ मेरे 12 सहयोगी थे, वो मेरा एक शॉप था, उस टाइम मैं जूनियर था, मेरी नौकरी समथिंग 8 ईयर थी, तो हमारी टीम के अंदर 12 आदमी थे, हम 12 आदमी ने 2 ट्रक के साथ में 36 घंटे कंटिन्यू गोला बारूद सप्लाई किया था। और जब उस टीम को जो अपनी 13 ग्रेनेड की जो टीम को हमने उन्होंने जो तोलोलिंग पे फतेह हासिल किया था, उनके हम मेन हिस्सेदार थे, और तभी उस चीज़ को हमने टाइम पे गोला बारूद पहुँचाया, लड़े को फतेह किया और हमने उस पर तोलोलिंग झंडा लहराया। वो सबसे मेरा बेस्ट अचीवमेंट था। अब आखिरी प्रश्न करूंगा मैं सभी से, आप लोग सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं और आम जनता से क्या उम्मीद रखते हैं? सरकार से उम्मीद क्या है आपकी और आम जनता से क्या उम्मीद रखते हैं? सरकार से आप क्या उम्मीद रखते हैं, क्या कुछ होना चाहिए, क्या फौजियों के लिए सरकार और क्या कर सकती है? आज की पहले के समय की बजाय आज की तारीख में अच्छा काम कर रही है और आम जनता के। आप जैसे तो अब आम जनता से क्या सहयोग की अपेक्षा करते हैं, कैसा लगता है आपको आम जनता किस तरह का सहयोग आपको कर सकती है? आम जनता हमारे अच्छा सहयोग कर रही है, कैसे कैसे बालसी जी आप सरकार से और आम जनता से क्या उम्मीद रखते हैं? देखो आज से 10 साल पहले पीछे जाएंगे, सरकार का
सरकार ने फौजियों के लिए बहुत कम स्कीमें लॉन्च किया था, जिसमें अभी काफ़ी फौजी आदमी बेरोजगार हो रहे हैं। बट अभी आने वाले साल में जो नई सरकार आ रखी है, जो अभी अपने मोदी जी की सरकार आई है, तो फौजियों के लिए बहुत कुछ उन्होंने किया है। अभी हर डिपार्टमेंट में उनको 10% का कोटा मिल रहा है, रिसेंट में जॉब भी मिल रहा है। तो अभी तो मैं तो ये कहूँगा कि अभी सरकार अच्छा कर रही है, बेस्ट कर रही है। एक लोग कहते हैं कि आप अभी जो देश है जो सशक्त हाथों में, सुरक्षित हाथों में मोदी जी की आपने बात कही, तो मैं एक छोटा सा प्रश्न लेना चाहूँगा, क्या सच्चाई क्या है? जैसे आप तो फौज में रहे हो, तो क्या वास्तविक में मोदी जी के हाथ में सशक्त और सुरक्षित है देश? मोदी जी एक महान नेता है, महान नेता रहेंगे, और उनके जब तक मोदी जी रहेंगे तो इंडिया का झंडा क्या हम अमेरिका को टक्कर दे सकते हैं। मोदी जी के आए जब से बहुत अच्छा है, देश अपना तरक्की कर रहा है, अपनी मुद्रा स्फीति बढ़ रही है, देश मजबूत हो रहा है। आज अमेरिका की पार्लियामेंट में अपना मोदी जी जाके वहाँ की संसद को संबोधित करके अपना देश का नाम बड़ा कर रहा है। सुरक्षा के सवालों को लेके आपको क्या लगता है? सुरक्षा के सवाल में मोदी जी जब से आए, राजनाथ जी, डिफेंस मिनिस्टर जब से आए, इन्होंने बहुत कुछ किया है। हमारे जब वायुसेना के लिए बहुत नए विमान, फाइटर्स, UAV वगैरह बहुत खरीदे हैं। आने वाला टाइम में बहुत भी, अभी बाकी देशों से बात चल रही है, खरीद रहे हम लोग। सेना भी बड़ी है, अग्निवीर जैसे आए, अग्निवीर भी बहुत सारे आ रहे, जाएंगे बहुत सारे आएंगे, रोजगार भी मिलेगा जनता को। और हमने पाटीदार जी, आप क्या उम्मीद करते हैं जनता और सरकार से? अभी सरकार बहुत बढ़िया काम लिए, ये जो ये कर रही है, जो उसमें बहुत बढ़िया 4 साल के लिए जो सर्विस खोली है अग्निवीर के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि बेरोजगारी भी थोड़ी ख़त्म हो जाएगी देश में। और कुलकर्णी जी, आप भी सेवा देकर के लौटे, क्या महसूस किया? जैसे एक फौजी का जीवन और अब आम जन जीवन, क्या महसूस करे? जवान जय किसान नमस्कार। मैं कहना चाहता हूँ कि फौजी का जीवन तो बहुत कठोर जीवन है, ऐसी बात नहीं। और जो सर्विस के दौरान हम घर पर आते थे तो वही कठोरता दिखाते थे, ताकि हम मदर नहीं रही मेरी, मदर यही बोलते थे कलेक्टर आ रहे हैं, बोला थोड़ा घर ठीक ठाक करें, सब डरते थे। अब तो रोटीन हम भी डर गए, क्योंकि फिर भी हम वो डिसिप्लिन को अभी भी बरकरार रखते हैं, लेकिन घर में अभी भी थोड़ा सा कुछ भी ऐसा दिमाग खराब होता है, वो रोटीन हम शादी से ऊपर उम्र कुछ भी निकालते, पूरे हमारे माहौल में हमारे दिमाग में गुस्सा हुआ। तो बाहर का समय बहुत अजीब था, बहुत कठोर था, यहाँ आकर के हम कठोरता दिखाते अपनी, यहाँ वो एक अनुशासन को लेके फिल्मों में भी हम देखते हैं, अक्सर सुनने में भी आता है कि कठोर व्यक्तित्व होता है फौजियों का, तो क्या घर परिवार में कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती है? बहुत हो जाती है, घर में भी ऐसी अपना हो जाता है। जैसा मैंने एक बार किसी को बोला, फौज ने हमको एक बार बता दिया किसी ने, यहाँ चढ़ना है तो चढ़ना है। जैसे मैं कारगिल में चढ़ा था, मैं कम से 20,000 फीट खाई में चला गया था, तो हमारे पीछे जो टीम थी उनको हमारे बॉस ने यही बोला कि एक मरेगा तो 10 भर्ती होंगे, चलते रहो, जबकि पीछे वालों ने सब दिल तोड़ दिया था, तो नहीं बोला आप मार्च करो आगे। तो मेरे साथ तो जो कार्रवाई थे वायुसेना के साथ जो हुई, फिर हेलीकॉप्टर से मेरे जो निकाल दिया, लेकिन क्या है कि वो कठोरता वही चली, वही कठोरता हमें यहाँ पर भी घर में भी हम दिखाने की सोचते, लेकिन यहाँ पर कोई हमारी सुनता नहीं। वैसे एक बात और होती कुलकर्णी जी, अक्सर क्या है कि लोग जान देने से डरते हैं, तो परिवार में कभी ऐसा परिस्थितियाँ नहीं बनी, कभी किसी ने बोला नहीं कि भाई छोड़ के आ जा, क्या करना है? बहुत बोला मेरे को, पिताजी का हौसला था, मगर का ऐसा हौसला, पिताजी ने तो मेरे को जब भर्ती हुआ था जैसे ही, तो मेरी एक अंडर ईयर यहाँ रह गई थी, पट्टे की चड्डी हम पहनते हैं यहाँ निवाड़ में, तो चड्डी लेके किराया लेकर छिंदवाड़ा भेजा था, तो सब कोई बोल रहे थे चड्डी लेके पिताजी ने भेजा, बोले फिर पिताजी गुस्सा आ गए, पिताजी ने बोला हौसला दे के भेजा, चड्डी दे के नहीं भेजा मैंने, बच्चे को हौसला देने के लिए भेजा। तो उस वक्त तक पिताजी को मदर को नहीं थी, मतलब आपके परिवार का आपको सहयोग रहा? हाँ, पिताजी का बहुत सहयोग रहा, पिताजी ने मदर को बड़ा दे दिया, ताकि हर त्यौहार में कभी नहीं आ पाते थे, तो हमें तो अभी तो नवरात्र का मालूम नहीं पड़ता कौन से नवरात्र में गरबा खेलते हैं, हम भूल गए, पहले तो बहुत रोना आ जाता था कि नवरात्र का हमारे गरबा है, कार्यक्रम होते थे, बड़ा दुख होता था, रोना भी आता था, लेकिन जो अलग अलग स्टेट में रहते थे वहाँ का माहौल बाहर देखते होता, तो फिर दुख होता था। तो बाहर तो कठोरता की थी, यहाँ पर थोड़ी बहुत हमारे वो करना चाहते, लेकिन यहाँ वो कर नहीं पाते, क्योंकि यहाँ पर का माहौल अलग हो जाता है, चाहे कहीं चाहे खेती में मजदूरों को भी, जैसे खेत में हम अभी काम कर रिटायर हो गए, मजदूरों को भी हम वो डिसीजन थोड़ा कर देते, लेकिन वो अपने डिसीजन से करेंगे, वो अपने हिसाब से करेंगे, अपने हिसाब से नहीं कर पाते वो, तो बड़ा दुख होता है कभी कभी, लेकिन फिर टेंशन लेकर के 2 कप चाय एक्स्ट्रा बना के पी लेते हैं और अपना टेंशन हल्का कर लेते हैं, है ना। तो बाकी बहुत समय बिताया हमने सेना के अंदर, आधी से उम्र ऊपर उम्र हमारी। कहाँ कहाँ सर्विस किया आपने? मैंने आसाम में, पंजाब में, कश्मीर में,
गुजरात में और बेंगलोर में और अपना कारगिल कारगिल में भी रहे, कश्मीर में आप रहे हैं तो कश्मीर को लेकर। कश्मीर में दो बार गया मैं, दो बार गया मैं 10 साल के टर्ने वाले। पुराने समय काल में कहते थे कश्मीर में जब तक दंगे हो जाते थे, जब तक कुछ भी हो जाता था, तो क्या परिस्थितियाँ रहती थी, कुछ अनुभव? पहले तो क्या था, माहौल ऐसा था कि हम लोग जैसे मार्च करते थे तो हमें डर ही था, किसी घर से हम पानी पीने तक के न कोई देगा हमारे, पहली बात तो मांगेंगे नहीं, हम पी भी नहीं सकते थे क्योंकि कोई पता नहीं, भरोसा नहीं उनका कश्मीर में कल क्या करते हैं अपने साथ के साथ करते। तो हम अपने पास ही पानी का सब कुछ व्यवस्था, खाने पीने के अपने साथ ही रखते थे। लेकिन वो समय मतलब अभी थोड़ा माहौल ठीक है, अभी आप कभी भी कश्मीर जाओगे तो कभी इतना वो नहीं है, लेकिन सेना हमारे पहले से ज़्यादा लगा ही रखी है। लेकिन अभी क्या है, थोड़ा कारगिल में जो है शहीद हो रहे हैं सर, मीडिया अभी थोड़ा उसको दिखाती नहीं है। एक उग्रवादी मतलब शहीद हो रहा है तो उसको चार बार दिखाते हैं, एक दो जवान या चार जवान शहीद हो तो उसको एक ही बार दिखाया जाता, मतलब उसका थोड़ा वो है कि होते जवान शहीद, ऐसी बात नहीं अभी हो रहे हैं, लेकिन पहले से कम। कहीं ना कहीं उसमें सरकार का भी दबाव रहता है। हाँ, सरकार का बहुत दबाव, अभी जैसे अग्निवीर भर्ती कर दी तो अभी हम बच्चों को सोच रहे थे भर्ती करेंगे, अग्निवीर में तो कोई लाइफ ही नहीं उनकी, इससे अच्छा पढ़ाओ उनको, अग्निवीर के जवान की कोई लाइफ नहीं। एक आप मेरे साथ और जुड़ रहे हैं छोटी उनसे, रंजीत जी मंडोई जी, उनसे जानते हैं कि क्या प्रभाव, क्या देखा उन्होंने, क्या कहा। तो रंजीत जी, एक आम जनजीवन जो है और फौजी का जनजीवन एक अलग अलग जनजीवन होता है, तो क्या महसूस किया आपने फौजी के कार्यकाल और आपके कार्यकाल को? जय हिंद साथियों, मैं ग्राम छोटी गुंज से रंजीत सिंह मंडलोई, पिता सुंदरलाल मंडलोई, मैं 21 साल 3 महीने बीएसएफ में नौकरी करके आया हूँ। बीएसएफ की जो नौकरी है वो बहुत टफ है, हमने 21 साल पूरे बॉर्डर पे ही ड्यूटी की है, इसके अलावा कहीं हम गए ही नहीं, पूरे बॉर्डर पे, पाकिस्तान बॉर्डर, बांग्लादेश बॉर्डर, बर्मा, भूटान, हर जगह हर क्षेत्र में हमने अपनी ड्यूटी दी है। इधर अपने तंगधार जम्मू कश्मीर, उसके 2 साल वहाँ रहे थे, उसके बाद अमरनाथ जी की यात्रा में 2 बार 2-2 महीने उधर भी ड्यूटी की थी। बाकी तो जीवन तो कठिन है ही, संघर्ष तो हर आदमी का रहता है, संघर्ष के बिना तो जीवन ही अधूरा है। तो फौजी जीवन तो टपी है कुल मिला के, ऐसे कोई बात नहीं है, किसान का और एक फौज के जवानों का जीवन बहुत ही मतलब संघर्षमय है। क्योंकि ऐसा कोई अनुभव जैसे आप कह रहे हो अमरनाथ यात्रा के दौरान रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ों में रहे, तो ऐसा कोई अनुभव जो आप हमारे दर्शकों से शेयर करना चाहें? अमरनाथ जी की यात्रा में हम सुबह 4 बजे से उठते थे तो 5:30 बजे करीबन हम वहाँ चले जाते थे जहाँ हमारी ड्यूटी रहती थी, तो शाम के 7 बजे तक करीबन रहते थे। लेकिन वहाँ के जो लोग जाते थे दर्शन करने, उनका हौसला और वो हमको हौसला देते थे, हमारी जय जय बोलते थे जवानों की, तो हम थके हुए भी हमको बहुत मतलब आनंद आता था कि हमारे देश के जो जनता है, जो धर्म प्रेमी जनता है, जो हमारे को इतना हौसला दे रहे हैं कि जवानों की जय बोल रहे हैं, देश की, भारत माता की जय बोल रहे हैं, तो हम मतलब थकने के बाद भी हमको बहुत ताकत मिलती थी हमारे को बहुत ताकत मिलती। वहाँ का तापमान और यहाँ के तापमान में बहुत अंतर है, तो कैसे क्या रहते थे आप लोग वहाँ का? तो जब ठंड के समय में तो काफ़ी ठंड रहती थी, बर्फ़ में हम काफ़ी मतलब परिश्रम किया, कभी तो काम में 1-1.5 महीने में नहाते थे, 1-1.5 महीना हमें खुद ही 31 दिन में एक बार नहाया था जम्मू कश्मीर में, क्योंकि जहाँ भी जाओ पूरी बर्फ़ उसको हम गर्म पानी करते थे, बर्फ़ को पिघला के हम लोग मतलब ये करते थे, पानी बनाते थे, तो इतने लोग रहते थे तो कहाँ एडजस्टमेंट हो नहीं पाता था, तो बर्फ़ में लेटिंग भी जाओ तो वहीं से बर्फ़ से ही अपना साफ सुफ करते थे। परिवार में जैसे आप घर से दूर रहे, परिवार से दूर रहे, पत्नी बच्चों सभी से दूर रहे, क्या महसूस होता था? देखो महसूस तो होता है, क्योंकि आदमी घर से बाहर निकलता है ना बाहर, तो बहुत मतलब अपना आंसू नहीं बहा सकता है, बाकी बिल्कुल दुख रहता है घर से निकलने का। मतलब महसूस होता था कि आप बहुत दूर आ गए हैं घर से? हाँ, महसूस पूरी तरह से महसूस होता था, और आप ये भी फील भी करते थे, क्योंकि परिवार को छोड़ने के बाद में हम जैसे छोटी उंच से निकलते थे महालक्ष्मी मंदिर, वहाँ तक तो एकदम आंसू निकलते थे, लेकिन फिर भी उसको दबा दबा के चलते थे, क्योंकि भाई मेरा है वो छोड़ने खरगोन तक हमेशा जाता था, खरगोन या खंडवा, तो वो मेरे से बात करता था, मैं उसको बराबर जवाब नहीं दे पाता था, दुख रहता था हमेशा। एक बात और, अभी जैसे आप अभी कुछ दिनों पहले ही आए हैं, आपका स्वागत भी बहुत जोरदार हुआ, आम लोग और आम जनता से आप क्या उम्मीद करते हैं फौजी हो के, मतलब आम जनता से क्या उम्मीद करते हैं, किस तरह का सम्मान मिलना चाहिए, क्या होना चाहिए? देखो वैसे सम्मान करना चाहिए, फौज के आदमियों का सम्मान करना चाहिए कि उनने अपनी जवानी मतलब पूरी
जो युवा युवा पीढ़ी युवा है मतलब वो पूरा बॉर्डर पे अपना जीवन अपनाया और मेहनत और ईमानदारी से पैसा भी कमाया, तो यहाँ के अपने जो आम जनता है उन्हें सम्मान करना भी चाहिए और उनसे सीख भी लेना चाहिए कि अपनी मेहनत का ही खाओ, इधर उधर से मत हाथ में हाथ पैर मत मारो कि तुम इधर से कमाओ। आप जैसे सर्विस काल के दौरान रहे तो परिवार वालों ने आपका समर्थन किया, कभी किसी ने बोला नहीं कि भाई छोड़ छाड़ के आ जा? ऐसे तो माता पिता बोलते रहते थे, लेकिन फिर भी एक बार चले गए तो फिर छोड़ने का मन नहीं करता कि हम छोड़ के आए। इसमें मेरे माता पिता का भी काफ़ी सहयोग रहा, मेरा भाई छोटा संग्राम सिंह मंडलोई अध्यापक है और बहू है अंजू मंडलोई, उनका हाँ, भी काफ़ी सहयोग रहा। हम अक्सर देखते हैं सुनते हैं कि जब एक फौजी भारत माता की तस्वीर के सामने खड़ा होता है तो उसके मन में देशभक्ति का ऑटोमेटिक जज्बा आ जाता है। वो तो क्या है कि हम तो बचपन से हमारे मन में देश प्रेम की भावना थी, जब हम पढ़ रहे थे उस समय से लेके आगे भी, मतलब मैं पढ़ रहा था जब भी मध्य प्रदेश पुलिस लिखता था मेरे नाम के आगे, ऐसे ही अपने घर में भी कहीं भी मजाक मजाक में भी लिख देता था। मतलब शुरू से फौज में जाने मतलब का लक्ष्य, शुरू से मेरे मतलब बचपन से मेरे मन में फौज के प्रति मतलब भावना थी कि मैं देश की सेवा करूं और अपने गांव का अपने प्रदेश का अपने देश का नाम रोशन करूं। और पूरी मेरे मेहनत के साथ मैं फौज में भी पूरे बॉर्डर पर नौकरी की, 21 साल पूरे बॉर्डर पर रहा हूँ मैं, इधर उधर टाइम पास नहीं किया और पूरी हमने बॉर्डर पर रह के ही देश की रक्षा की, इसमें कोई दो मत की बात, मतलब मेहनत कर रहे हैं पूरी तरह से। रंजीत जी ने एक बात कही कि लगभग लगभग उनका पूरा कार्यकाल बॉर्डर के ऊपर गुजरा है और भारत पाकिस्तान के संबंधों को लेकर अक्सर हम कई तरह की बातें सुनते हैं। रंजीत जी बॉर्डर के ऊपर रहें तो भारत पाकिस्तान चीन बांग्लादेश जितनी भी सीमाएं हैं, तो भारत और पाकिस्तान के संबंधों को लेकर जब पाकिस्तान के सैनिक भी आपके बॉर्डर के समीप आते होंगे, क्या महसूस किया आपने? पाकिस्तान के और इंडिया के जवान हमेशा कहीं भी मीटिंग होती है तो हम साथ में बैठ के बातचीत भी करते हैं, चाय पानी भी पीते हैं। हमेशा जो BSF है बॉर्डर पे ड्यूटी करती है, तो बांग्लादेश बॉर्डर हो कि पाकिस्तान बॉर्डर हो कि कोई से भी बॉर्डर हो, हम लोग उनसे हमारी मुलाकात होती रहती है। लेकिन कहीं ना कहीं हम हमारे दो देश पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के कट्टर विरोधी कहे जाते रहे, तो कभी ऐसा महसूस नहीं होता कि भाई ये अपना दुश्मन है? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं, हमने कभी ऐसा सोचा भी नहीं है। और एक बार हमारे साथ ऐसे केस हुआ था राजस्थान बॉर्डर पर जैसलमेर में कि ऊँट ने हमारे दो जवानों को दबा दिया था, ऊँट बिगड़ गया था, उसने दबा दिया था, तो पाकिस्तान के जवान उधर गश्त कर रहे थे, उन्हें देखा तो वो फेंसिंग पार करके कूद के आया, हमारे जवानों को उन्हें बचाया। ऐसी कोई बात नहीं है, जो देश के जवान है उधर के भी और इधर के भी है, वो बिल्कुल अपने सतर्क ड्यूटी भी कर रहे हैं और ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे के सहयोग भी करते हैं। हमने खुद ने देखा है कि वो हमारा सहयोग करते हैं पाकिस्तान पर भी और बांग्लादेश में भी, क्यों हमारी तो हर महीने उनसे मीटिंग चलती रहती है, तो वहाँ के भी रेंजर भी है और वहाँ के BDR भी है बांग्लादेश के, वो लोग भी हमारे साथ में हमेशा रहते हैं, बातचीत भी करते हैं, चाय पानी भी पीते हैं, सब कुछ करते हैं वो भी। बॉर्डर पर जैसे आप सर्विस देते थे, बॉर्डर पर रहते थे, तो कभी मन में ऐसा भय नहीं आता था कि भाई कभी भी गोली लग जाएगी, कुछ भी हो जाएगा, घर हो सकता है अपनी लाश जाए? नहीं, ऐसे कभी सोचा ही नहीं हमने तो कि हमारे साथ ऐसा कुछ हो सकता है। घर से निकले भारत माता के नाम से तो जो होगा देखा जाएगा, मरने वाले घर पे भी मर जाते हैं, लेकिन हमने अगर ऐसी जरूरत पड़ी तो हम देश के लिए मतलब पूरा समय दिया, मतलब कहने का मतलब आपके दिल में देश का प्रेम है बिल्कुल, हमेशा रहेगा, जब भी कभी जरूरत पड़ी तो हमको कभी भी बुलाए तो हम जाने के लिए तैयार है। मतलब अभी भी आप सेवा दे सकते हैं? अभी भी सेवा दे सकते हैं, कभी ये हमने मन में सोचा भी नहीं यार, अभी भी जरूरत पड़ी देश को तो हम जाने के लिए तैयार है हमेशा। अभी तो हम अपनी स्वेच्छा से मतलब, क्योंकि अपने घर में भी जरूरत है और अभी आप जैसे फौज से रिटायरमेंट होकर आए, पिछले 2-3 महीने पहले ही आए हैं, आप कैसा महसूस करते हैं, क्या लगता है आपको, आम जनजीवन कैसा क्या चल रहा है? बिल्कुल रिलैक्स है, पहले वहाँ पे क्या रात को सोने को नहीं मिलता था, यहाँ बिल्कुल रात भर सोते हैं आराम से, अपना मन पड़ता जब उठते 6 बजे 7 बजे वहाँ, तो हम आज भी अनुशासन वैसे ही बरकरार है, अनुशासन में कमी आई है? नहीं, अनुशासन तो है ही वैसे कि रहेगा, जब तक कि अपना जीवन रहेगा अनुशासन तो रहेगा ही रहेगा। जो फौज में रहे 9 महीने ट्रेनिंग की है तो उसका अनुशासन कभी भूल नहीं सकते, और 21 साल भी हम अनुशासन में रहे, कभी हमने गलत कोई भी काम नहीं किया कि शराब पीना कि ऐसे कोई लापरवाही कभी भी नहीं। आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि भाई अनुशासन के दौरान आप पे कभी सख्ती हो रही है कि यार बड़ा सितम ढा रहे हैं सरकार और सेना वाले लोग? नहीं, कोई नहीं, अनुशासन को तो हम शुरू से ही मतलब ये कर रहे हैं कि अनुशासन होना चाहिए, अनुशासन के बिना तो जीवन ये सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि अनुशासन नहीं होगा तो अपन अपने बच्चों को अनुशासन नहीं देंगे तो उत्पटांग काम करेंगे। कभी कभी आपके बच्चे कह देते होते हैं यार पापा तो फौजी है तो अपने ऊपर जबरदस्ती का अनुशासन थोपने की वो कर रहे हैं? नहीं, ऐसे कोई नहीं, मेरे जो बच्चे मेरे भाई के पास में रहते हैं शुरू से, उनके साथ में मैं रहा ही नहीं, मेरे भाई ने पूरा उनका शुरू से अभी तक वही देख रहा है, 3 बच्चियाँ मेरी है। परिवार में आप जैसे त्योहारों पर घर से दूर रहते थे तो कभी
जैसे परिवार में आपकी पत्नी वगैरह, कभी किसी ने ऐसा आक्रोश जाहिर नहीं किया कि आप छोड़ो छाड़ो ये सर्विस को छोड़ देना चाहिए? नहीं नहीं, किसी ने मेरे को कुछ नहीं किया, क्योंकि मेरे वाइफ के ऊपर तो कोई भारी नहीं पड़ा, क्योंकि मेरा भाई और मेरी जो बहू है वो लोग ही मेरे बच्चों को शुरू से पाल रहे हैं, अभी शुरू से उनके पास ही खरगोन में रहते हैं, मैं तो गांव में रहता हूं, लेकिन भाई मेरा है और बहू है जो बहुत महान है, उनको मैं हमेशा यही बोलूंगा कि वो बहुत महान। मतलब आपके परिवार का आपके सेवा काल के दौरान बहुत अच्छा सहयोग, बहुत बहुत सहयोग रहा, अभी तक ने वो बच्चे मेरे पास 10 रुपये भी नहीं मांगते शुरू से लेके, वो भाई मेरे बच्चों को किताब काफ़ी से लेके हर काम वही कर। रंजीत जी, आम जनता और सरकार से आगे क्या उम्मीद रखते हैं? हम वैसे सरकार अच्छा काम कर रही है ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन जो भी फौज के जवान आ रहे हैं रिटायर होके, उसके लिए हर ज़िले में एक कैंटीन की सुविधा होना चाहिए ताकि कोई सामान ले सके, क्योंकि जैसे अभी मऊ में आर्मी वालों की हमारी बीएसएफ के लोग हैं, हम इंदौर में जाते हैं, तो कहीं ऐसी सुविधा होना चाहिए कि खरगोन में हो, हर डिस्ट्रिक्ट में हो, ताकि हर जवान वहाँ से अपना सामान मुहैया करा सके, जो भी लिक्विड अपने जो ड्रिंकिंग वगैरह है वो पीने की भी सुविधाएं उपलब्ध। आम जनता से क्या उम्मीद रखते हैं? जैसे आप अभी जैसे गांव के अंदर आए हैं, तो गांव के लोगों से क्या उम्मीद रखते हैं? गांव के लोगों से तो बढ़िया है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, अपना अपना सभी काम कर रहे हैं और हमारा भी सहयोग कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कुलकर्णी जी, आप सरकार से और आम जनता से क्या उम्मीद रखते हैं? सरकार से यही बोलता हूँ, जितने भी दिल्ली में हमारे जवान बैठे हैं एक्सर्विसमैन, उनकी जो मांगे हैं वो पूरी की जाए और अग्निवीरों को पक्का किया जाए जितना हो सके, क्योंकि आज से 10 साल बाद हम जो देख रहे हैं वो पता नहीं क्या होगा। देश मोदी जी तो है, लेकिन 10 साल के बाद उनके लिए हम तो अभी पेंशन बंद कर देंगे हमारी, हम बॉर्डर पे नहीं जाएंगे, कहीं लड़ाई में नहीं जाएंगे, तो उनको क्या करेंगे? वो तो पैसा लेकर इकट्ठा आ जाएंगे, हमारे पैसे से अफसर को पूरा नहीं हो रहा है, पार्लियामेंट में बैठा हुआ है, मतलब कहने का रिटायर होकर के, जबकि लाखों में पैसा ले रहा है वो, तो हमको क्या 20-25 हज़ार में क्या होगा हमारा? अच्छा, जैसे आने वाले भाई मेरे जो 4 साल करके आएंगे उनको कुछ पैसा मिल जाएगा, सब भाई जो भी लेना इधर उधर हो जाता खर्चा, मेरा भी हुआ, मैंने भी करोड़ रुपये ले लिया, लेकिन पैसा नहीं कुछ मायने रखता है, पेंशन जो मायने रखती है उनको पेंशन मिलना चाहिए, और मेरा तो यही सरकार से उम्मीद है कि उनको पक्का किया जाए, चाहे कोई भी सरकार हो उनको पक्का। आम जनता से क्या उम्मीद रखते हैं? अपने अड़ोस पड़ोस से क्या उम्मीद रखते हैं? अड़ोस पड़ोस को अपने व्यवहार के हिसाब से, हम जैसा अपना व्यवहार बदले करेंगे उनका सहयोग उतना ही वैसा ही रहेगा, नहीं तो हमारा व्यवहार हम बदली नहीं करेंगे तो हमें कोई सहयोग नहीं मिलेगा, व्यवहार बदलना पड़ेगा हमारे को, जनता नहीं बदलेगी। पाटीदार जी, आम जनता और सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो अग्निवीर की बात आप कर रहे थे, अग्निवीर इतनी अच्छी योजना मोदी जी की है, हम रिटायरमेंट के 4 साल की नौकरी कर रहे हैं, भालसे साहब बोल रहे थे 21 लाख मिल रहे हैं, शायद आपको नहीं होगा रिटायरमेंट के बाद में 25 लाख मिल रहे हैं, उसमें अपना 4 साल में आज का बेरोजगार व्यक्ति बहुत अपना अच्छा से बिजनेस कर सकता है, पढ़ाई भी कर सकता है, बिजनेस भी कर सकता है उस पैसे के। इसमें मैं अपनी खुद की बताऊं, मनमोहन सिंह की सरकार में मैं रिटायरमेंट था 2005 में, मैंने शुरुआत की थी थोड़े से छोटे से कारोबार से, फुटवेयर से, आज मेरी 3-3 दुकानें हैं, मैंने उसी को मोदी जी, जब मोदी जी की सरकार आई, 1 रैंक 1 पेंशन लागू किया, 22,000 से स्टार्ट हो गई, आज मेरे को 35,490 रुपये मिल रहा है, इससे बड़ी और कौन? अग्निवीर के लिए तो सबसे बड़ी योजना यही है कि वो अपने पैर पर खड़ा हो जाए, उसके बाद में उसको आने के बाद में सबसे पहले कोई भी फैक्ट्री कोई भी कंपनी हो, सबसे पहले अग्निवीर को ही वो अटेंड करेगी, बाकी आम जनता को, आम सिविलियन व्यक्ति को नहीं कर पाएगी, उनके लिए स्पेशल ट्रेनी रहेंगे, मतलब ट्रेनी रहेंगे तो एक अनुशासन पहले पात्रता उनको मिलेगी, भारतीय फौज में एक अनुशासन सबसे बड़ा मायना रखता है और अनुशासन के हिसाब से ही चलते हैं, और सभी कंपनियों को पता है कि अगला आदमी अग्निवीर से आया है, ये अनुशासन एक तरीके से ट्रेनिंग रहेगा तो पहले हमारी फैक्ट्री का काम करेगा। आम जनता से क्या उम्मीद करते हैं? जनता जनार्दन है, बहुत बढ़िया, अपना अच्छा व्यवहार उसके साथ रखते हैं, वो भी हमारे साथ, आपने तो देखा ही होगा, क्योंकि मैं खुद भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूं और जनता के बीच में जाता हूं, एक अपना व्यवहार सुधारो तो अगले आदमी अपने आप अपने पास चले आएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है, फौज की अलग वो रहती है दिनचर्या, पर अपना व्यवहार अपन उनके हिसाब से डालोगे ना तो जनता भी अपने पास आएगी, आपने देखा होगा अभी पिछली
कार्यक्रम में भी कि कितने ये हुए थे शायद नीतू जी को पता होगा। आज के कार्यक्रम में हमने चर्चा की रिटायर्ड फौजियों से। ये सैनिक हमारे देश का गौरव है, हमारा गौरव है, हम सब का गौरव है और हम इन्हें सैल्यूट करते हैं। और आज का ही हमारा कार्यक्रम ऐसे सभी सैनिकों को समर्पित करते हैं। इन सभी सैनिकों के नाम हमारा आज का कार्यक्रम है। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से ये केवल ये जो लोग बैठे हैं केवल एक उदाहरण मात्र हैं, बाकी जितने भी सैनिक हैं सभी को हमारा सलाम है। हमारा चैनल SW24 डिजाना विजन न्यूज ऐसे सभी सैनिकों को सलाम करता है जो देश के लिए न्यौछार हो गए हैं और देश के लिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं और सेवाएं देकर घर आ गए। ऐसे सभी को हमारा सलाम है। आज की रिपोर्ट में इतना ही। आगे एक ऐसी रिपोर्ट के साथ फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। कैमरा पर्सन दुर्गेश कुमार के साथ दिनेश दसौंधी SW24 ऊन। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। 15 अगस्त के राष्ट्रीय त्यौहार के शुभ अवसर पर मैं अपने फौजी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उनका आशीर्वाद लेता हूँ कि गांव में जितने भी ऐसे बेरोजगार हैं जो पढ़े लिखे हैं वे सभी जाएं और फौज भारत माता की रक्षा के लिए आगे बढ़े। इसी के साथ आज एक और मैं आपको राष्ट्रीय गीत दे रहा हूँ, कृपया सुने। हे मेरे वतन के लोगों देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।